दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप मुंबई से चेन्नई जाना चाहते हो तो फ्लाइट टिकट के प्राइस क्या होने वाला है, सबसे सस्ता सस्ता फ्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और समय कितना लगने वाला है, एयरपोर्ट कोड्स क्या हैं, फ्लाइट की टाइमिंग क्या है, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला। तो वीडियो को लाइक कर दो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना, चलते सीधे वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको टिकट बुक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट पे आ जाते हैं और देख सकते हैं हमने फॉर्म में डाल दिया, यहाँ पर मुंबई टू में डाल दिया चेन्नई, और उसके बाद दोस्तों फ्लाइट के डेट कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सीधे सर्च फ्लाइट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सर्च फ्लाइट पर क्लिक करते हैं बहुत सारे फ्लाइट्स की लिस्ट आ जाते हैं और यहाँ पर पहले ग्राफ आता है। यह ग्राफ दर्शाता है क्योंकि फ्लाइट के प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होते, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद सबसे सस्ता फ्लाइट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4000 रुपये से स्टार्ट है। अब बात कर लेते हैं एयरपोर्ट कोड्स क्या है। दोस्तों मुंबई का है BOM है और चेन्नई का है MAA मतलब माँ। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, बुकिंग करके दिखाते हैं। तो पहले सबसे सस्ता फ्लाइट की टिकट देखते हैं। आकाशा एयर है, 5 बजे फ्लाइट से 2 घंटा समय लेती है, 7 बजे पहुँचा देती है, 4000 रुपये और फ्लाइट की टिकट के चार्ज है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिगो है, 2:55 पे है, 2 घंटा समय लेती है, 4:55 पहुँचा देती है, 4300 रुपये और फ्लाइट की टिकट चार्ज है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इंडिगो है, 12:05 पे है, 1:50 समय लेती है, 13:55 पहुँचा देती है, 4300 रुपये और फ्लाइट की टिकट चार्ज है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिगो है, 13:55 पे है, 2:05 समय लेती है, 16:00 पहुँचा देती है, 4300 फ्लाइट के टिकट चार्ज है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे फ्लाइट हैं जिनकी अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग प्राइस है, और अपने टाइम और प्राइस के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए सिंपल सा जो भी पसंद आता है उसको वी फेयर पर क्लिक करेंगे, पहले वाल पर क्लिक करेंगे बुक नाउ पे, उसके बाद बोर्डिंग पॉइंट डिटेल आ जाता है कि आपकी फ्लाइट कितने तारीख को कितने बजे कहाँ से है कब पहुँचाएगी। बगल में प्राइस होता है, बस बुकिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप नीचे आएंगे तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, उसके बाद पेमेंट करना है, आपकी फ्लाइट की टिकट अपना बुक करके अपने ईमेल पे या व्हाट्सएप पे पा सकते हैं। तो इस तरह से बुकिंग करनी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।